गड़बड़ रहा करती घर में, ठीक है तो घर में गड़बड़ रहा करती। हाँ, कितने एक साल से थी गड़बड़? गड़बड़ तो कई 40 साल के नड़े ही। 40 साल से? हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 40 साल की समस्या खत्म होगी? खत्म होगी। अच्छा, क्या थी? घर उजड़ रहा था, घर बस आ दिया। घर उजड़ रहा था? हाँ, बस गया। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाणु भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणु भाइयों, फिलहाल खड़े हम महामाया धाम मुंडाल में और आज शनिवार का दिन है और जागरण के पश्चात पहला ही शनिवार जो आया है और नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं 3 तारीख से माता रानी के दरबार में। आप सभी अपनी हाजिरी लगाएं। हम जो बार बार आते हैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि क्या वास्तव में सच्चाई है, माँ के दरबार में कितनी शक्तियाँ हैं, कैसे कैसे लोगों की बीमारियाँ ठीक होती हैं, कैसी कैसी तकलीफ़ें ठीक होती हैं, कैसी कैसी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, ये सभी दिखाने के लिए हम आते हैं। और जो लोग कहते हैं, जो व्यक्ति कहते हैं, जो भक्तजन यहाँ पर आते हैं वो कहते हैं, वही चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, आप तक सच पहुँचे, यही हमारा प्रयास रहता है। हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करते कि यहाँ पर ये ठीक होता है या नहीं होता है, कोई पूछा देखी जाती है या नहीं देखी जाती है, जो लोग कहते हैं वही बातें आप तक पहुँचाते हैं हम। और मंगलवार, वीरवार और शनिवार 3 दिन दरबार लगता है और 3 दिन पूछा भी देखी जाती है। अभी दरबार चालू है, भक्तनी बबली जी जो है लगी हुई है, भक्तों के कष्टों के निवारण हेतु शाम नहीं महामाया का दरबार सजा हुआ है थोड़ा। मिताथल से? हाँ जी। पहली बार आए हैं? ना जी, पांच बार आए। की समस्या है? मेरे लड़के जबान से हल्का हो रहा है। अच्छा, कि में फर्क पड़े हैं? हाँ, फर्क पड़ा। कितना फर्क पड़ गया? फर्क है जो सालाना होया करता उस तक बड़े फर्क है। अच्छा, हाँ, आदत ज्यादा फर्क है। अच्छा, बोलने लगे सी है? हाँ, इतना तो सही नहीं बोले। क्या नाम बेटा? आईटे। अच्छा अच्छा, कौन से पढ़ता है? पढ़ता नहीं क्या? स्कूल में नहीं जाता? आठवीं क्लास में। आज एट। अच्छा, एट में? हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है भाई। देखिए, बचपन से है क्या ऐसा? हाँ जी, बचपन। तो ये जन्म से गूंगा हाथ और बोलने लग गया भाई, 50% फर्क बता रहे हैं। और ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जन्म से गूंगा बच्चा और इतना बोलने लग गया साफ साफ, और भी बोलने लग जाएगा, 50-60% फर्क बहन जी बता रही है। धन्यवाद आपका। हम चौथी आई सा। कौन सा गाँव है? हमारा भिवानी। भिवानी, क्या तकलीफ? गोड्डे में दर्द से। फर्क पड़े है गोड्डे में दर्द में? हाँ, कितना? पक्की बात से ये गड़बड़ रहा करती घर में, ठीक है तो घर में गड़बड़ रहा करती। हाँ। कितने एक साल से थी गड़बड़? गड़बड़ तो कई 40 साल के नड़े ही। 40 साल से? हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 40 साल की समस्या खत्म होगी? खत्म होगी। 2-3-4 बार आने हैं के बताया माता रानी? पूछा भाई, बता दा के पूछा भगवान मंत्री ने कहा था बोले ठीक हो जा। अच्छा? पूछा ठीक होने का मतलब है? हाँ, सही बात है। पूछा हम के तो पढ़ने तक के मतलब जा पाना तो ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, समस्या ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद। कहाँ से आप? बुन्ना। बुन्ना से? आप कहाँ से भाई साहब? हासंडा से। हासंडा, पहली बार आए हो? ना, तो कई बार आ ले, कई साल था हूँ। कई साल था हो? हाँ। अच्छा, पुराने हो आप भक्त? हाँ। तो के समस्या ठीक हुई है? तारीख को मनोकामना पूर्ण हुई भाई? समस्या थे वे गुड़िया भी माता की कृपा से है। अच्छा, यह भी? हाँ। अच्छा, यहीं से है इन्हीं के आशीर्वाद? कितने शादी के, कितने साल बाद? ये 12 साल के बाद। 12 साल के बाद? पहले लड़का था। अच्छा, फिर माई की कृपा, या माई के पास आए ना, माई की कृपा से लड़की। अच्छा, तो 12 साल के बाद में हुई है, बहुत बढ़िया, कृपा करी भाई। तो तब से आप जुड़े हैं भगत यहाँ से? हाँ। और भी मनोकामना होती रहती है? हाँ, पूरी होती है। बहुत बढ़िया। तो आ जाओ भाई, और बात कराऊँ मैं तारी। बार आए हो तुम भाई? नमस्कार भाई। कहाँ से? राखी श्यापुर है। राखी श्यापुर? राखी श्यापुर से। हाँ जी। दूसरी बार? मैं 3-4 बार आए जी। क्या तकलीफ से भाई? मेरा तो किमे को नहीं, मेरा घराली का थी। घराली का थी? हाँ। ठीक होगी? हाँ, ठीक होगी बिल्कुल। क्या तकलीफ थी? ऊपरी भराई की थी। कितने साल थे? 3-1 साल तक थी। 3 साल में बीच में ठीक होगी जमाई में। सुखाई दिया तू तो मेरे ख्याल में उसने? मैं सुख सुख जी भाई, सूख जाए आदमी जिसकी घराली की तकलीफ हो। या सच्ची बात, रोटी खास कह रहे, सॉस कह रहे,
टेंशन 24 घंटे दिमाग हाँ, दिमाग में आदमी के रहे है यार भाई, तो ये ठीक होगी? हाँ ये ठीक होगी, दो तीन बार आता है दिमाग। अच्छा हाँ ठीक है दिमाग। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जाओ भाई कहते क्यों खड़े हो, बार रुकाई लिए के बैठ जाओ। हैं समस्या अब इसके मैडम का था बनाया है मैडम का, तो क्यों सा फर्क? अब तो पहली बार चार साल बाद दोबारा आया हूँ। चार साल पहले समस्या ठीक होगी थी, चार साल में संभाली को नहीं माँ आ गई। फिर माँ ने बोली आजा भाई हाजिरी लगा की जा। चार साल से ठीक थे बिल्कुल, कोई समस्या नहीं थी। नहीं अब थोड़ी थोड़ी होगी। प्रसाद प्रसूद भाटी को नहीं भूल गया, दरबार भी सह के कोई या कौन बोलने दे भाई, बड़े बड़े नहीं याद दिवा दे। आप आपके क्या तकलीफ है? बच्चा में तकलीफ थी, दिक्कत थी घर का बारा में। ठीक हो गया? हाँ से आराम आराम से। हाँ कहे बार आली भाई? पाँचवीं बार आया हम। पाँचवीं फेरी है? हाँ। आराम हो गया? इसके गोड्या में दर्द था, इसके गोड्या में दर्द। इसके तेरे गोड्या में दर्द था? कितने दिन थे? कहीं दर्द था, तीन चार साल था। तीन चार साल थे? तो फिर गोड़ की दवाई कौन ली इतने की में? खूब ले ली। कौन हुआ उन आराम और उरा आन तो हो गया? अच्छा हो गया, मतलब ठीक कर दिया। पाँचवीं फेरी है? पाँचवीं फेरी है, आराम है जमा। बहुत बढ़िया भाई। तो देखो भाई ऐसे ऐसे चमत्कार तो हो है, सारे लोग नुके हैं बोले ना झाड़े तो क्यों है, ये देख लो भाई झाड़े तो इतने इतने साल के दर्द ठीक हो रहे हैं। आप कहाँ से बोलिए? मेमते। मेमते? हाँ। अच्छा अच्छा, आपके की समस्या है? पेट में दर्द रहा करता। पेट में दर्द रहा करता? हाँ। अच्छा कितनी साल थे? तीन साल हो गए आंधे हुए। चलो तीन साल हो गए आंधी। हाँ। पहले भी बात थोड़ी है कि मेरी ख्याल। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ठीक हो गया? हाँ। कहे बराबर ठीक हो गया था? मैं दूसरी बार ही हो गया था। दूसरी बार ही हो गया? हाँ। तो ये क्यों चक्कर का टाइम क्यों बढ़े लाओ है? ये जी कराण ने अनंद जी करा है। हाँ। अच्छा आ जा है। हाँ। तो लो पड़ा है बात या है किलोमीटर 10 से दूर हो जब भी आना पड़ेगा। किलोमीटर 10 सर पी लागे 10 हर मिनट मिनट में चला बस। हैं बहुत अच्छा सही है दरबार सच्चा है। हां सच्चा। हां आप कहां से हैं? हिसार से। हैं हिसार से। अच्छा क्या समस्या आपका? अब तो खुद ही बीमार लागो मने। बीमार थी जिद्दे आई। अच्छा बीमार रहा कर दी? हाँ। काफी बीमार थे सुकरी हिजमा सुके रही पैरा तो कौन चला जाया करता। पैरा तो कौन चला जाया करता? ठाके ले आए थे शुरू में तो। ठाके ले आए थे? हाँ। और ईब पाई चल के आजा है? ईब पाई चल के आई है। अच्छा बहुत खतरनाक, मतलब ये भी हालत तेरी नाजुक लग गया मैंने तो, लेकिन तू पाई चल के आ जाए तो भी अच्छी बात है, माँ की कृपा है। अपन लग गए क्या पाई चल चला था? क्योंकि माता की कृपा है। ठीक है आप? हाँ। बीमारी क्या थी? बेरा पटा के इन्फेक्शन था। अच्छा अब ठीक? शुगर था। शुगर भी था? शुगर भी डाउन आ गया? शुगर नहीं बस फिर थोड़ा कम हो गया। हाँ। आप साथ हैं के? ना। आप कहाँ से हो? पुरात जी। पुरात तेरे की समस्या है? समस्या क्या थी? घर उजड़ रहा था, घर बसा दिया। घर उजड़ रहा था? हाँ। बस गया? बस गया। ले भाई वाह, यो तो बहुत बढ़िया काम का डे मानो भाई। बढ़िया कर दिया, मौज कर दी मेरे तो। अच्छा हाँ। कितने एक दिनों की बात होगी ये? सवा के महीना में कर दिया सारा काम। सवा महीना में सारा काम ठीक हो गया? बहु रूस रही थी? बहु भी रूस रही थी, घर भी दिक्कत घनी मोटी थी। अच्छा सवा भी नम सारा काम रेडी हो गया? सारा काम रेडी, बिल्कुल स्वस्थ था। ये जमा मौज में है? मौज हो रही है। हाँ। एक तो दर्शन करना? हाँ। अच्छा बाप रे बहुत बढ़िया भाई। आप है? इसकी माँ से गए? फिर हाँ से क्यों उसने देखी? बताओ ये बताओ सुनो तो बताओ बताओ जी बात सच्ची से की कोरी जो झूठ बोले हो? सच्ची है भाई। सच्ची से? सच्ची। चलो ये सुख शांति होगी। हाँ भाई माता की दया हो रही है। अच्छा अच्छा आप कहाँ से? खरखोद दाते हैं। खरखोद धासते हैं, खरखोद देते हैं। पहली बार आई है ना? आया करो। आया करो, कब से आ रहे हो? दो ढाई साल हो गए। दो ढाई साल हो गए तो ईसा के माता ने के दे दिया भाई? दो ढाई साल तो लगातार आने लग रही हो। सुख शांति परिवार में है? सुख शांति है परिवार में? सुख शांति, सुख शांति तो होनी चाहिए। मतलब पहले कौन थी के? पहले नहीं थी। कितने एक दिन तक कौन थी? शुरू तो ही ना थी। अच्छा? जब तक शादी हुई है। अच्छा जानी भैया मंगल बाजे कर देंगे सासू ससुर आते हैं सारे आते हैं चढ़ जाए हाँ तो पूरा माता रानी का अंत सही हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल
बहुत बढ़िया भाई, चलो यो भी एक भाई वाली बात से घर और बस गया। हाँ। चलो बहुत अच्छा है। तो कहाँ से? मोड़ा से जी। मोड़ा से। कब से जुड़े हैं माता रानी के? कई साल हो गए। कितने साल? लगभग 7-8 साल। 7-8 साल हो गए। अच्छा, के कारण तो जुड़े थे और वो कारण हल होया कि नहीं होया? सारे कारण हल हो गए, जो चाहिए वो मान सारे पूरे कर रखे, जो भी मांगो मिल जाए। मिल जाए। सच्चा दरबार, सच्ची मिल जाए। जो मां सच्ची मिल जाए जी। अच्छा, तो जो एक बात बता, तू शरण आदमी ले गया मने, जिस तरह काम श्याम समस्या हल हो जाए है, तो रुपये कितने के ले लिए मगदड़ी? कोई रुपया नहीं। अच्छा, अपनी श्रद्धा तो कोई कि मैं वो तो देखो भाई, प्रसाद बांटो कि मैं करो, कि मैं करो, कि मैं करो, वो तो अलग बात है, लेकिन मांग के तो नहीं लेते ना। मांग के कौन, अपनी मर्जी से आप आंसर कि मैं दे जाऊं। बहुत बढ़िया। आप लोगों को मैं मुंडहाल धाम का रास्ता बता देता हूँ। भिवानी और जींद रोड पे बीच में पड़ता है मुंडहाल, आसी और महम के बीच में, यानी दिल्ली से हिसार जो रोड है, हाईवे नंबर 9, नेशनल हाईवे 9 के ऊपर पड़ता है महम और आसी के बीच में मुंडहाल, मुंडहाल खुर्द और मुंडहाल कला। मुंडहाल खुर्द बस स्टैंड के बिल्कुल थोड़ी दूर पर महामाया धाम है, भगतनी बबली के नाम से आप पूछ सकते हैं। भिवानी से जींद रोड पर मुंडहाल है, आप 24 घंटे बसें चलती रहती हैं, किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन मंगलवार वीरवार और शनिवार 3 दिन दरबार लगता है, पूछा वगैरह भी देखी जाती है। तो बता रहे हैं अगली बार फिर मिलवाऊंगा आपको लोगों से, तब तक दीजिए आज्ञा। जय हिंद, नमस्कार।